हाय एवरीवन, हमारे पिछले वीडियोस पे काफी कमेंट्स आए थे जिनमें सब जानना चाहते थे कि वो लोग WBJ के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं तुम लोग के साथ एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर सकूं और तुम लोगों को मैथमेटिक्स के लिए एक स्ट्रेटेजी बता सकूं। पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक मैथ्स पेपर होगा, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा। अब हर सब्जेक्ट में तुम्हारे तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते हैं। कैटेगरी वन में तुम्हारे 1 मार्क क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें अगर तुम गलत कर दो तो तुम्हारा 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कैटेगरी टू में 2 मार्क्स क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें अगर गलत करो तो तुम्हारा 1/2 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कैटेगरी थ्री में भी 2 मार्क्स क्वेश्चंस रहते हैं, बट उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता क्योंकि वो मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है क्वेश्चंस है। तो पहले हम मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी वन में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, कैटेगरी टू में 15 और कैटेगरी थ्री में 10, सो टोटल 75 क्वेश्चंस रहते हैं और उनके लिए तुम्हें 100 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर, उनमें कैटेगरी वन में रहते हैं, कैटेगरी टू में 5 क्वेश्चंस रहते हैं और कैटेगरी थ्री में भी 5 क्वेश्चंस रहते हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। तो टोटल तुम्हारे 40 क्वेश्चंस रहते हैं और 40 केमिस्ट्री के लिए, टोटल 50 मार्क्स फॉर फिजिक्स एंड 50 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री। तो तुम लोग ये समझ सकते हो कि मैथ्स का अकेले का पेपर 100 मार्क्स का है और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 100 मार्क्स है, तो मैथ्स का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। तो तुम्हें मैथ्स पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकोगे तो तुम्हारे लिए किसी अच्छे कॉलेज में एक अच्छा डिपार्टमेंट मिलना काफी इजी हो जाएगा। हम लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो तुम लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग रिप्लाई देंगे। तुम लोग हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी तक जो जो भी बोला वो तुम काफी लोगों को बोलते सुनोगे, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सब जानते हुए भी उसे अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उससे आखिर में एग्जाम में प्रॉब्लम होता है। मैंने भी काफी गलतियां की है, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी सेम गलतियां करो, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर तुम लोग चाहो तो हम और वीडियोस बनाएंगे इन पे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी को इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो उनके पास शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।